ये छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करने वाला, जिसमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन किया गया है। और सबसे पहले इसमें जो वर्ड यूज़ होता है फ्लक्स, उसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि फ्लक्स इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि यूनिट एरिया में आ रहे हों, ठीक है, और एक सेकंड में आ रहे हों, ठीक है, कि एक सेकंड में और एक सेकंड में, अगर ये मैं एक यूनिट एरिया ले लूँ, ठीक है, इसमें से कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ रहे हैं एक सेकंड में, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इज़ हाउ मच पार्टिकल आर कमिंग, ये अगर इन अ सेकंड और पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, अगर एक यूनिट एरिया हम डिफाइन कर दें 1 मीटर स्क्वेयर, अगर ये है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल आएंगे एक सेकंड में, वो फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट अभी नेक्स्ट आएगा। तो जब भी इंसिडेंट पार्टिकल्स हम कह देते हैं, कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल्स किसी टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पोटेंशियल के थ्रू करते हैं या कोलिजन के थ्रू करते हैं, तो कोलिजन के थ्रू, ये अगर पहले इंसिडेंट फ्लक्स हमें इस का ये मिल रहा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मिल रहा था एफ, ओके, तो आफ्टर स्कैटरिंग कुछ फ्लक्स इधर लॉस हो गया, ठीक है, और कुछ ओरिजिनल डायरेक्शन में ही रहा। तो हमने कहा कि जो इंसिडेंट फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन में फ्लक्स लॉस हो गया, ठीक है, ये अगर यही डायरेक्शन हम ले रहे हैं और इसी डायरेक्शन में देखें तो कुछ अब फ्लक्स आ रहा है, जबकि कुछ जो है स्कैटर होने की वजह से लॉस हो गया, इसे हम कहते हैं फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस इज प्रोपोर्शन टू हाउ नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर सेकेंड। तो फिर ये और पर यूनिट एरिया, तो इनका अगर हम एक यूनिट एरिया निकालें तो वो इस डायरेक्शन में स्कैटर हुए होंगे किसी तरह। तो ये हमारे पास कुछ इतने कुछ तो यहाँ पे हमें इंसिडेंट फ्लक्स में मिल गए, लेकिन कुछ फ्लक्स लॉस हो गया। तो ये फ्लक्स लॉस जो है, हम कहते हैं कि ये फ्लक्स लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स लॉस इज़ डीएफ, ठीक है। तो इंसिडेंट फ्लक्स एफ था और जो आउटगोइंग फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन था, लेट्स से वो एफ वन है, तो ये जो एफ माइनस एफ वन होगा ना, जो इसको और इसमें से ये वाला निकाल दें तो ये वाला बचेगा ना, क्योंकि कंजर्व है फ्लक्स, तो ये जो है इसको हम कहते हैं फ्लक्स लॉस, और ये हमें मिलेगा बाय द डिफरेंस ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स एंड द आउटगोइंग फ्लक्स, जो कि सेम डायरेक्शन में, अगर इंसिडेंट डायरेक्शन में लें तो इसको, इसलिए हम डी एफ का नाम भी देते हैं, फ्लक्स लॉस, लॉस इज डी एफ। तो ये जो फ्लक्स लॉस है ये प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट फ्लक्स के, जितने ज़्यादा पार्टिकल इंसिडेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंट्रैक्शन के चांसेस होते हैं और उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग या फिर फ्लक्स लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्लक्स एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ द स्कैटरर्स, के टारगेट जो है उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो कि स्कैटरिंग को कवर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनकी नंबर डेंसिटी है तो इनकी इंट्रैक्शन नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा और स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ स्कैटरर्स, और इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टारगेट, कि जितना ज़्यादा टारगेट का एरिया होगा, जितना ज़्यादा उन बेचारों को इसमें से ट्रैवल करके, क्योंकि आगे जाना होगा ना, या जितनी ज़्यादा इसकी बाउंड्री होगी, यहाँ से भी स्कैटरिंग होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं स्कैटरिंग के, अगर इनका एरिया या फिर हम इनकी अगर लेंथ करें टारगेट के, वो अगर ज़्यादा होगी तो चांसेस भी होंगे ज़्यादा, तो हम इसे डीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, लेट्स से वो सिग्मा है, और ये एफ एज इट इज़ एन वी एन डी, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एफ को इधर ले आते हैं, सेम वेरिएबल ऑन वन साइड एंड द अदर्स आर ऑन द अदर साइड, तो एन वी इज़ कॉन्स्टेंट, एल सिग्मा भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये 1/f है ना, इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ एफ, एंड दिस इज सिग्मा एन वी डी जी का इंटीग्रल इज जी, ठीक है, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सम सी में कह देती हूँ, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग में ख़त्म करना चाहती हूँ, ये कॉन्स्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ सी करूँ वो भी कॉन्स्टेंट ही होगा, तो यहाँ पर मैं नेचुरल लॉग इसके राइट पे लिख देती हूँ, ताकि ये सारे मैं नेचुरल लॉग में लेके जाऊँ, तो ये नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो उसकी इसकी पावर में चली जाती है, तो ये सिग्मा एन वी जी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, दो नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हो तो हम उन्हें एक में लिख सकते हैं एज मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सी टाइम्स ई सिग्मा एन वी जी। तो इनिशियल कंडीशन से हमें पता चलता है कि जब
इनिशियल कंडीशन से हमें पता चलता है जब z इज इक्वल टू जीरो है, मतलब उसने टारगेट को इंटर नहीं किया, ये z है लेंथ ऑफ द टारगेट ना, तो टारगेट को जब एंटर नहीं किया तो इंसिडेंट फ्लक्स बिल्कुल लॉस नहीं हुआ था ना उस टाइम, f जो है वो f नॉट के इक्वल था। f नॉट मैं ले रही हूँ इंसिडेंट फ्लक्स का नाम ले रही हूँ, ठीक है, जो विदाउट इंट्रैक्शन था। तो एट z इज इक्वल टू जीरो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो f वॉज इक्वल टू f नॉट, तो z इज इक्वल टू जीरो, ये पावर को जीरो कर देगा तो c की वैल्यू हमारे पास f नॉट आ गया, तो इसकी जगह हम f नॉट लिख देते हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है स्कैटरिंग। इसके अलावा हमें जो इक्वेशन पता है वो ये भी, इसमें ये जो सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा के यूनिट्स होते हैं एरिया के, तो हम इसे जो है क्रॉस सेक्शन का नाम दे देते हैं। और इसके अलावा इसके लिए हम एक और फार्मूला डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का कहते हैं, जिसकी जो हमें बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के स्कैटर होने इनटू सॉलिड एंगल डी एन बाय डी सिग्मा एन एफ नॉट एज इंसिडेंट प्लस, ठीक है, ये हमने फार्मूला पहले भी किया है। ये जो क्वांटिटी है ये हमें बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, और ये जो डिवाइडेड बाय डी सिग्मा है ये हमें बताता है कि डी सिग्मा एंगल में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या है। तो एज अ होल दिस क्वांटिटी गिव्स अस द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच शोज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इनटू अ डी सिग्मा सॉलिड एंगल, ठीक है, ये हमने अनदर फार्मूला देखा था। तो जबकि एफ नॉट इज़ द इंसिडेंट फ्लक्स, और यहाँ पे जो फ्लक्स एफ है यहाँ पे, ये एफ फ्लक्स जो है इंस्टेंटेनियस फ्लक्स को शो करता है। किसी भी जी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनसाइड द टारगेट की कितना फ्लक्स है,